So hello guys, this is Naman Mahajan and welcome back to my YouTube channel. In this video we will see that कि हम इस टाइप से एक क्रिएटिव लोगो कैसे क्रिएट करेंगे. ये एक कलरफुल लोगो एनिमेशन है जो हमने बिना किसी प्लगइन के आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट किया है. आप इसे बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं, आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं एज अ टाइटल एनिमेशन, लोगो एनिमेशन या फिर किसी शॉर्ट स्टोरी का टाइटल एनिमेशन भी इसे क्रिएट कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो हम आ गए हमारे आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर पे. यहाँ से मैं क्रिएट करूंगा एक न्यू कॉम्पोजिशन. उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू कॉम्पोजिशन पे. यहाँ पे मैं नेम देता हूँ टेक्स्ट एनिमेशन. मैंने यहाँ पे HD साइज रखा है, फ्रेम रेट है मेरे 29.97 एंड ड्यूरेशन रखा है मैंने 4 सेकेंड. बैकग्राउंड कलर है ब्लैक. हिट ओके. यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एक टेक्स्ट. तो उसके लिए करा मैंने यहाँ पे राइट क्लिक, मैं गया न्यू पे, मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा टेक्स्ट. मैंने यहाँ पे टाइप किया क्रिएटिविटी. इसे मैं करता हूँ यहाँ पे सेंटर अलाइन. एंड यहाँ पे जो मैंने फॉन्ट यूज किया है वो है अर्नोल्ड, जो कि स्टाइल है फॉन्ट स्टाइल रेगुलर एंड 212 इसका फॉन्ट साइज है. मैं आता हूँ नीचे यहाँ पे मेरी टेक्स्ट की लेयर पे. यहाँ पे करता हूँ मैं राइट क्लिक एंड मैंने करा यहाँ से प्री कम्पोज. इसे हम नेम देते हैं टेक्स्ट. एंड हमारे यहाँ पे टिक होना चाहिए मूव ऑल एट्रीब्यूट्स टू न्यू कम्पोजिशन एंड मैं क्लिक करता हूँ ओके. नेक्स्ट मैं आता हूँ मेरे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पैनल पे. यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वेगस. यहाँ पे मेरा वेगस इफेक्ट्स आ चुका है. इसे करता हूँ मैं यहाँ पे डबल क्लिक जिससे अप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे आता हूँ मैं ब्लेंडिंग मोड पे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर. यहाँ पे मैं करता हूँ ओवरकोट ट्रांसपेरेंट. यहाँ पे आता हूँ ऊपर में सेगमेंट्स पे, यहाँ से करता हूँ 1 एंड नीचे आता हूँ यहाँ पे एंड ओपेसिटी पे, यहाँ पे भी करता हूँ मैं 1. तो नेक्स्ट आता हूँ यहाँ पे मैं 2 सेकंड पे एंड यहाँ पे मैं टर्न ऑन करता हूँ की फ्रेम लेंथ की एंड रोटेशन की. अगेन मैं आता हूँ एट द स्टार्टिंग एंड यहाँ पे हम 1 को करते हैं 0 और जो रोटेशन है मेरा इसे करता हूँ मैं -90. तो मेरा कुछ इस टाइप से प्ले हो रहा है. अभी जो मेरा स्ट्रोक का कलर येलो है, अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं इसको यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ. यहाँ पे आता हूँ मैं विथ करता हूँ इंक्रीज. मैं अभी मेरी है 2, इसे करता हूँ मैं 3. एंड मुझे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करनी है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ यू बटन, तो जिससे मेरी सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी. यहाँ पे करता हूँ मैं सारी की फ्रेम्स को सिलेक्ट. हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं F9 या फिर मैं करता हूँ राइट क्लिक, मैं गया की फ्रेम असिस्ट पे एंड मैं करता हूँ इजी ईज फॉर स्मूथ एनिमेशन. मैं क्लोज करता हूँ इसे, मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ यू. नेक्स्ट मैं करता हूँ वापस से मेरी इस कंपोजिशन को सिलेक्ट एंड मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+D बटन. जो मेरी कॉपी वाली है ऊपर वाली, इसे करता हूँ मैं थोड़ा सा आगे अबाउट 2-5 सेकेंड्स, तो मैं इसे आप 20 में कर देता हूँ. तो ये मेरा 5 फ्रेम्स भी आ जाएगा. ठीक है, इसे हम यहाँ से जूम कर सकते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि मैं कौन से फ्रेम पे है. तो ये मेरा आ चुका है यहाँ पे, मेरा भी 5 फ्रेम पे है. यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ मेरी कॉपी कंपोजिशन को. यहाँ से करता हूँ मैं इसका कलर चेंज टू येलो एंड जो रैंडम सीड है इसे मैं इंक्रीज कर देता हूँ 2 एंड जो इसके विड्थ वैल्यू है इसे भी मैं करता हूँ इंक्रीज टू 6. अगेन मैं सिलेक्ट करता हूँ मेरे ऊपर कंपोजिशन लेयर को. यहाँ पे करता हूँ मैं Ctrl+D एंड अगेन इसे मूव करता हूँ टू मैं 10 फ्रेम्स. नेक्स्ट मैं इसके ओपन करता हूँ प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे करता हूँ प्रेस यू जिससे मेरी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट मैं आता हूँ विड्थ पे, यहाँ से टर्न ऑन करता हूँ मेरा एनिमेशन. मैं आता हूँ अबाउट टू 2 सेकेंड्स. ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसे करता हूँ विड्थ वैल्यू को 12. तो ये मेरा कुछ स्टेप से दिखेगा. ये थोड़ा सा जिप दिख रहा है, इसको सही करने के लिए यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ न्यू इफेक्ट. यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे हम टैग करते हैं मिनीमैक्स. ये मेरा आ चुका है, इसे करता हूँ मैं ड्रैग टू इसके ऊपर ओके. तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं मिनिमम एंड नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पे है यहाँ से करता हूँ मैं अल्फा इन कलर. नेक्स्ट जो इसकी रेडियस वैल्यू है इसे भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ 2-4. तो इसे हम देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या हुआ. यहाँ से करता हूँ मैं फुल, थोड़ा सा करता हूँ जूम एंड ऐसे करता हूँ ऑफ, तो आपको यहाँ पे इफेक्ट इसका दिखेगा ओके. अगेन मैं करता हूँ ऐसे हाफ, मुझे भी इसको हाफ ही चलाना है, फिर अप टू 100%. अगेन इसमें हम एक बार इफेक्ट अप्लाई करते हैं. वापस मैं सिलेक्ट करता हूँ मेरी कंपोजिशन को. यहाँ पे आता हूँ मैं एंड टाइप करता हूँ सिंपल शो कर, ऐसे करता हूँ डबल क्लिक तो ऑटोमेटिकली लास्ट में अप्लाई हो जाएगा. इसकी वैल्यू करता हूँ यहाँ से मैं 4. इसे करता हूँ मैं वापस क्लोज बाय यू एंड अगेन ओपन करता हूँ बाय यू. ठीक है, यहाँ पर जो नीचे मेरी की फ्रेम हमने ऐड की है अलग से, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ कि फिर मैं सिस्टम में गया एंड इजी ईज. यहाँ से हमारे पास जो रैंडम सीड है इसे भी हम करते हैं इंक्रीज 4 एंड नेक्स्ट हम इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देते हैं. यहाँ पे मैं दे देता हूँ अबाउट ग्रीन. यहाँ पे करता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज को क्लोज एंड अगर मैं करता हूँ Ctrl+D से डुप्लीकेट. इसे हम वापस करते हैं थोड़ा सा जूम जिससे मुझे फ्रेम्स दिखेगी एंड मैं यहाँ पे इसको करता हूँ वापस मूव टू 15 फ्रेम्स
ओके 14, 15, 16। तो यहाँ पे आता हूँ मैं ऊपर एंड मैं इसका कलर चेंज करता हूँ टू नियॉन टाइप ब्लू, एंड उसका रेंडेसिड है इसे भी मैं इंक्रीज करता हूँ टू 5। तो अगेन मैं सिलेक्ट करता हूँ मैं कंपोजिशन ऊपर वाली, इसे करता हूँ मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट एंड मैं सिलेक्ट करता हूँ 20 फ्रेम्स। अगेन इसे भी हम करते थे कलर चेंज, मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ से इसको पिंक एंड मैं क्लिक करता हूँ ओके, तो वापस सिलेक्ट मैं प्रेस करता हूँ यू बटन जिससे मेरी प्रॉपर्टीज इसकी ओपन हो जाएगी। जो मेरी विथ की प्रॉपर्टीज है, विथ की फ्रेम है, इसे करता हूँ मैं वापस एट द एंड एंड इसे करता हूँ मैं यहाँ पे एट द एंड एंड इसकी जो यहाँ पे हमने करंट रखा हुआ है यहाँ से मैं इंक्रीज करता हूँ इसकी विथ जिससे ये पूरा फिल हो जाए टेक्स्ट मेरा, तो इसे करता हूँ मैं इंक्रीज ओके। तो हम इसे पूरा ले लेते ओके, मैंने यहाँ पे रखा है इसे हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ठीक है, मैंने इतना रखा है कि मेरा ये भी फिल हो जाए, तो इसे मैं इंक्रीज कर देता हूँ टू 65 जिससे मेरा पूरा फिल हो गया है। इसके जो रैंडम सीड है इसे भी यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ टू 6। यहाँ पे रहता हूँ ऐसे वापस मैं क्लोज, मैंने करा यू एंड मैं सिलेक्ट करता हूँ सारी कंपोजिशन को, राइट क्लिक करा मैंने करा ऐसे प्री कंपोज नेम ने इसको मैंने फाइनल टेक्स्ट यहाँ पे मेरा सिलेक्ट है इसे करता हूँ मैं ओके। हम करते हैं इसके ऊपर डबल क्लिक, मैंने वापस टेक्स्ट पेपर करा डबल क्लिक, इसे करता हूँ मैं ऐसे कॉपी एंड मैं आता हूँ टेक्स्ट एनिमेशन पे, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। नेक्स्ट जो मेरी टेक्स्ट लेयर है इसे करता हूँ मैं ऐसे नीचे एंड यहाँ से जो टिक मैट है इसे करता हूँ यहाँ से अल्फा। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप यहाँ से टॉगल स्विच कर सकते हैं या फिर आप प्रेस कर सकते हैं F4 बटन, इससे भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक वर्जन क्रिएट हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे इसका कलर फुल वर्जन चाहिए तो उसे हम करते हैं यहाँ से ऊपर से नीचे, तो इसे करता हूँ यहाँ से मैं 2 अल्फा, तो जिससे मेरा यहाँ पे एक मुझे कलर फुल वर्जन क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप के एनिमेशन को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो 2D एनिमेशन या फिर 3D एनिमेशन अगर वीडियोस बनाते हैं तो उसमें आप टाइटल एनिमेशन दे सकते हैं, किसी भी शॉर्ट स्टोरी में टाइटल एनिमेशन दे सकते हैं या फिर आप खुद का एक इसमें एक लोगो एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। और इस वीडियो को लाइक टारगेट है 100 लाइक्स, तो प्लीज लाइक करो और नीचे का सब्सक्राइब बटन रेड है तो उंगली मारो या पंजा, बस वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैंने दी है एंड स्क्रीन पे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।